तुम तो ठहरे परदेसी, साथ तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। एक बार हम ये बब्बल जी से पूछना चाहते हैं। बब्बल जी, अरे अरे अरे, बहुत बिजी। बब्बल जी का एटीट्यूड इज लाइक, और ये बब्बल जी है हमारे सबसे सीनियर मोस्ट। जी, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इनका नमस्कार। पहले इन्होंने इनका एटीट्यूड इस तरीके से था कि वो इग्नोर करके गए थे हमें, उनका हम समझ गए थे। इनका एटीट्यूड आपसे ऑन टाइम बन रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा ये कि इनको कैसा लग रहा है आज? जी बहुत अच्छा लग रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, बढ़िया। अमन ने बढ़िया अपना दिया 100%, और बाकी पोस्टर वगैरह अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमें भी काम दें। ठीक है, अगर आपको बैनर वैनर बना रहा हो कि आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उस टाइप का भी बैनर बन जाएगा हमारे पास। मज़ा आया जी, ये सही करा। शादीशुदा माहौल के लिए तैयार। अगर आप एक कमेंट में आज के इवेंट को डिफाइन करना चाहो, एक वर्ड के में, आप क्या वर्ड वो यूज करना चाहेंगे एक वर्ड में? धासु। A few moments later. दूसरे कॉमेडियंस आ रहे थे। My name is Pratik Katiyar. So what are your expectations for today's evening? What are you expecting? क्या जैसा होगा? And एक one word में अगर आपको define करना है आज के event को, so what that word? So what are your expectations for today's event? What are you expecting? अली ने भी तो लेना frame में। ये होती है। सलमान खान सर से पूछेंगे। होना चाहिए कि हम आए हैं तो अच्छा, इतना confidence बंदे में होना चाहिए। सलमान खान सर बताएंगे। बढ़िया होगा यार, देखो अभी बाकी कुछ एक्सपेक्टेशन से अगर आप एक वर्ड में आज अपनी एक्सपेक्टेशन सोच लो तो क्या वो एक्सपेक्टेशन एक वर्ड में अगर आपको डिफाइन करें एक वर्ड? अच्छा, ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अच्छा ठीक है ओके। A few moments later. अभी हम वेन्यू में जा रहे हैं, हमारे अमन जी अंदर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, माइक वाले उनसे जरा बात करते हैं। आइए देखे रहे। अंजी भैया जी, आप बताइए कि आपको आज का इवेंट है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, इवेंट ऐसे होने चाहिए और आने वाले प्रतिभागियों को मौका मिलना चाहिए। मजा आया। ये हमारे नौजवान है देश के, बहुत बढ़िया। हमारे देश के नौजवान है, आगे को यही देश आगे ले जाएंगे। आप कविताएं ये सब लिखते हो खुद, शायरी शुरू करते हो? नहीं लिखता तो नहीं मैं फिलहाल, लिखने की अगर आप देंगे तो लिख भी लेंगे। अरे लिख लोगे? आपने कभी किसी के लिए लिखी हो, भाभी जी के लिए या कोई जवानी का हो? तो शादी का तो रीजन ऐसा ही है कि आदमी, ये तो वो लड्डू है जो खाए तो पछताए, ना खाए तो। ज्ञान पछता लिया हूँ। अच्छा ठीक है, तो शायरी करते थे? कि आप भी पछता में। आप भी बताओ, आप शायरी करते थे अपनी जवानी में? नहीं कभी नहीं करी। हॉबी रही बस काम की, आगे बढ़ने की, कुछ करने की, जॉब कर रहे हैं आपके सामने। अगर एक शब्द में आज के इसके इवेंट को अगर डिफाइन करना चाहो, एक शब्द यूज करना, आप क्या यूज करोगे? एक शब्द, मौसम। कोई कुंडी लगाई हुई है इन्होंने। हेलो,